जैव विविधता से भरे जिले के जंगल में आए दिन दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में ग्राम रीसदी में वन सुंदरी सांप देखा गया। सड़क पार कर रहे विचित्र सांप को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों की भीड़ को देख सहमा हुआ सांप सामुदायिक भवन के पास जाकर बैठ गया। लोग उसको पहचान करने में लग गए, पर किसी को समझ नहीं आया कि कौन सा सांप है। फिर लोगों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिया, जिसके थोड़ी देर पश्चात मौके पर पहुंचे और लोगों को बताया ये बिना जहर वाला सांप है। अनुमान ये सांप जल्दी दिखाई नहीं देते, पर हमारे यहाँ पहले भी पाए गए हैं, जो हमारे कोरबा के अच्छे जैव विविधता को दर्शाता है। रेस्क्यू के उपरांत उसको जंगल में छोड़ दिया गया। DFO प्रियंका पांडे ने बताया कि कोरबा का जंगल वास्तव में जैव विविधता से भरा हुआ है, दुर्लभ जीवों बचाने की आवश्यकता है। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी ने बताया कि कॉमन ट्रिंकेट वन सुंदरी सांप बहुत ही शांत होते हैं, पर जब ये आक्रामक हो जाते हैं तो बहुत ही गुस्से से अपने शरीर को मोड़ कर अचानक से जोरदार हमला करते हैं। मैं वही सोचूं ना कि ये सांप ड्रग टाइप को लग रहा है, जहरीला है। नहीं, ये बिना जहर वाला सांप है, बट काटेगा बहुत। जहर नहीं इसमें? नहीं, सांप तो कोई से भी, लेकिन काटेगा जरूर वो, है ना।